पूर्णिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फूका पुतला। बिहार के छपरा, सिवान एवं बेगूसराय में जहरीली शराब से 70 से ज्यादा मौत के बाद हड़कंप मच गया है। इस घटना के बाद आज पूर्णिया शहर के बीचों बीच टैक्सी स्टैंड स्थित अंबेडकर सेवा सदन के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए जिला अध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि आज पूरे बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार शराबबंदी को सफल बता रहे हैं, जबकि हर जगह शराब की बिक्री भी हो रही है और लोग लगातार जहरीली शराब से मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से बिहार अब संभल नहीं रहा है, उनको अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। आगे उन्होंने यह भी कहा कि अगर यही स्थिति रही तो हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जरूरत पड़ी तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की जाएगी। ये पुतला दहन हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग शराबबंदी के तो समर्थक हैं, लेकिन नीतीश सरकार के नीतियों के विरुद्ध। नीतीश सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि 100 जो मासूम आपके गलत नीतियों के कारण, जो शराबबंदी आपको लागू करनी चाहिए, जिस तरीके से लागू करनी चाहिए, आपके थाने से स्प्रिट निकल करके उससे शराब बनाई जाती है, प्रशासनिक लोग उसको बेचते हैं, आपके सत्ता से जुड़े हुए लोग उसका कारोबार करते हैं और आप पार्टी का फंड बना रहे हैं और एक माननीय संवेदना तक आपको नहीं है कि वो लोग चंदा मांग करके अपने परिवार का जो उनकी मृत्यु हुई है उसको जलाने के लिए चंदा मांग रहे हैं और आप अंत्येष्टि के लिए जो होना चाहिए वो भी आप देने से हिचक रहे हैं और खुलेआम जिस संविधान की हम लोग पूजा करते हैं, जिसको छू करके पैर छू करके उस संविधान को आगे बढ़ते हैं, उनको मानते हैं, बाबा अम्बेडकर को मानते हैं, हम अपने महात्मा गांधी को मानते हैं, वहाँ उस संविधान में जिस तरह का शब्दों का आपने प्रयोग किया कि जो शराब पिएगा वो मरेगा और जो शराब बेचेगा और बेचवाएगा उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा, और नीतीश जी ये सबसे पहली जवाबदेही आपकी है, आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह के शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं, आपको तो शर्म आना चाहिए कि जहां 100 लोग मरे हैं वहां संवेदना जगानी चाहिए और अपने प्रशासनिक पदाधिकारी के ऊपर, अपने जो विभाग है उस विभाग के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, आपको इस्तीफा लेना चाहिए। उसके जगह आप जो है उस जो लोग मरे हैं उनके संवेदना से आप खेलने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ खुलेआम बोल रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी शर्म और लज्जा नहीं है? उनकी माताओं और बहनों और से पूछिए कि उनके दिल पे क्या गुजर रही है, आखिर वो शराब कहाँ से आया, क्या वो स्वयं बनाए? उनको शराब आपके प्रशासन के द्वारा दिया गया, वो स्पीड जो थाने से निकला उसको बेचा गया, शर्म कीजिए। ये महागठबंधन की सरकार चलने नहीं देगी और जनता आपको बताएगी खून के आंसू। वो लोग जो रोए हैं, आने के समय आपको रोना पड़ेगा, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इसी के कारण आज हम लोगों ने सरकार के नीतियों के खिलाफ, ना कि शराबबंदी के खिलाफ, शराबबंदी बहुत अच्छी बात है, आपको उसको आगे बढ़ाना चाहिए, हम लोग भी उसके साथ थे, आपको कई जगह उसका सेंटर खोलना चाहिए जहाँ पे जो शराब पीते हैं उनको, उनका ध्यान रखा जाए, उनको शराब की लत से छुड़वाई जाए, ना कि 4 लाख जो है गरीब परिवारों को जेल में भेजने का काम करते हैं और जो शराब बेचते हैं उनका महिमा मंडन करते हैं, उसके बजाय आप उल्लू को डांटते हैं। आपके लिए ये शर्म की बात है, इसी के लिए आज हम लोग पुतला दहन और ये हम लोग जन आक्रोश जो है, जनता का आक्रोश जो है वो ले करके आज अम्बेडकर जी की ये मूर्ति पे उनको प्रणाम करते हुए, उनको सलाम करते हुए, उनके विचार को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आए हैं और आज यहाँ पे टैक्सी स्टैंड पे आरएनसा चौक के पास हम लोग उनका पुतला दहन करके विरोध किए हैं। जहरीली शराब से मौत होती रहती है और शराब तस्करी लगातार जारी है, इस पर रोक कैसे लगेगा? इस पर रोक तो प्रशासन को लगाना है, प्रशासन को कड़ा करना है। अभी तक उनको इस्तीफा दे देना चाहिए जो इनके मंत्री है, विभागीय मंत्री है, जो इस जो देखते हैं, आबकारी देखते हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और वो DSP वगैरह छोटे पदाधिकारी को आप करके क्या कर रहे हैं? सारे प्रशासन को मालूम है कि कहाँ खाने के लिए जो है कि यहाँ शराब नहीं मिलता है, सभी लोगों को मालूम है कि खुलेआम शराब मिलती है, लेकिन क्या ये जनता का काम है? ये तो उनका काम है कि उस पर कार्रवाई करना। और ये स्प्रिट का वहाँ पे क्यों जमा किया कर रखा गया था? जिस तरीके से शराब को नष्ट किया जा रहा था, आखिर स्प्रिट को वहाँ थाने में जमा करके वो क्या करना चाह रहे थे? वहाँ जाकर के विरोध करें, अगर ऐसा लगा है तो वहाँ जाकर के विरोध करें।
उनको विरोध करने से मना किया है क्या? सिर्फ बोलने से हो जाता है क्या? उनके पास अगर कोई सबूत रहता, ऐसा कोई हालात रहता, तो वो जाकर के विरोध करके देखते। सिर्फ झूठ बोलने पे बीजेपी वालों को बोलने का कोई सौ आदमी के मृत्यु के बाद वो अगर ये बोल रहे हैं तो सोचिए वो किस तरह के मानसिक दिवालियापन पे चले गए हैं। ये स्वयं उनको अपना आईना चाहिए उनके जवाब बिहार है, बिहार को चाहिए जो बुद्ध जन्म रही है, महावीर की जन्मभूमि रही है, अपने महात्मा गांधी जी की कर्म भूमि रही है, वहाँ देखना चाहिए कि ना कि राज्य के अपने छुपा रहे हैं। मानसिक दिवालियापन नहीं चलेगा, जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। यही हालात रहेंगे तो आगे आप लोग क्या रहेंगे? ये विरोध चलता रहेगा, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति शासन की मांग पुरजोर ढंग से उठाएंगे, ऐसी सरकार को चलने नहीं देंगे।